ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संस्थाओं और शहर के गणमान्य लोगों ने सुझाव दिया है कि स्मार्ट सिटी की जो भी योजनाएं बनाई जाएं, वे भविष्य के सहारनपुर और उसकी आवश्यकताओं तथा मास्टर प्लान 2031 को ध्यान में रखकर बनाई जाएं, ताकि बार बार उसमें फेरबदल न करना पड़े। खाताखेड़ी में मल्टीपल पार्किंग तथा रेड क्रॉस हॉस्पिटल को और बेहतर बनाने सहित अनेक सुझाव भी दिए गए। मेयर संजीव वालिया और नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने लोगों से आह्वान किया है कि यदि शहर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए किसी के पास कोई ठोस व रचनात्मक सुझाव है तो वह दे सकता है, उसे कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। बैठक में तीनों सेनाओं के पराक्रम पर उनके लिए एक बधाई प्रस्ताव भी पारित किया गया। स्मार्ट सिटी एडवाइजरी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेयर संजीव वालिया ने सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत व आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया कि यदि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी का सहयोग मिला तो 2022 का सहारनपुर नया सहारनपुर होगा। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि सहारनपुर को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि शहर के तीन बड़े पुलों चतरा पुल, दाल मंडी व पुल जोगियान का चौड़ीकरण कराने, शहर के चौराहों तिराहों का सौंदर्यीकरण, कंपनी बाग के सौंदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ की लागत से उसमें अनेक कार्य कराने के अलावा शहर के सभी प्रमुख मार्गों की एंट्री पर सहारनपुर की पहचान के लिए प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। कूड़ा निस्तारण के लिए जमीन खरीद ली गई है और 5 करोड़ की लागत से वहां कूड़े का रिसाइक्लिंग प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। इससे पूर्व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी पीएमसी के संजय वर्मा व मनीष ने लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित तो घंटा घर और उसके चारों ओर के मार्गों, मॉडल रोड, नए बस स्टैंड और विभिन्न स्थानों पर मल्टीपल माइल व पार्किंग आदि के संबंध में प्रोजेक्टर के माध्यम से योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया। बताया गया कि जहां भी मार्गों पर अतिरिक्त स्थान मिला है वहां छोटी पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। शहर में ऐसे 600 स्थान चिन्हित किए गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने सड़कों की चौड़ाई, पार्किंग, शहर से बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री आदि के बारे में भी जानकारी और सुझाव दिए। सांसद फजलुर रहमान ने सड़कों पर रखे ट्रांसफायर मिरों को हटवाकर उचित स्थान पर रखवाने, पूरे शहर में सीवर लाइन बिछवाने, धोबी वाला तालाब की जल निकासी कराने, सड़कों पर फैले तारों के जाल और खम्भों को व्यवस्थित कराने की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि जो इलाके स्मार्ट सिटी में नहीं है लेकिन निगम की सीमा में है उनके विकास पर भी ध्यान दिया जाए। विधायक मसूद अख्तर का सुझाव था कि 2031 के मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि बाद में फिर से तोड़फोड़ न करनी पड़े। पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि जो भी सड़कें बनाई जाएं वे दुकानों और कॉलोनियों के घरों की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई जाएं। सड़क के ऊपर लगातार रोड़ी बिछाने से शहर के अनेक क्षेत्रों में मकान और दुकानें कई कई फुट नीचे चले गए हैं, जिससे लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर विधायक देवेंद्र निम का सुझाव था कि जो गांव सहारनपुर नगर निगम में जोड़े गए हैं उन पर भी फोकस किया जाना चाहिए। त्रिलोक गुप्ता ने स्मार्ट माने आने वाली सिटी बसों को स्टेशन से राजकीय विश्वविद्यालय तक बसें चलवाने की मांग की। राजेश जैन का सुझाव था कि पुराने शहर में कोई ऐसा स्थान विकसित किया जाए जहां लोग शाम को घूमने जा सकें। स्मार्ट सिटी में प्रेस क्लब भवन के निर्माण का सुझाव भी उन्होंने दिया। इससे पूर्व कुलभूषण जैन, जयनाथ शर्मा, डायर, पीके शर्मा, राजीव अग्रवाल, अशोक गुप्ता, अमीर खां, आर्किटेक्ट मनमीत बजाजादी ने भी अनेक सुझाव दिए। बैठक में स्मार्ट सिटी के मुख्य वित्त अधिकारी राजीव कुशवाहा, सीएस पूजा वर्मा, रजनीश धीमान व मीडिया प्रभारी डायर वीरेंद्र आजम आदि मौजूद रहे। आज स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी की बैठक रखी गई और निश्चित रूप से बड़ा हर्ष का विषय है कि एक दिन पूर्व हमने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट अपने शुरू कर दिए हैं, जिसमें पार्कों का निर्माण और प्रभु जी की रसोई, वाटर बॉडी पार्क, इस प्रकार के काम हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है वो धरातल पर आने शुरू हो गए हैं और अगले एक साल में शहर में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा।